कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 15 करोड़ डॉलर की जिम्मी ग्रांट की मंजूरी। पहले मरहले में वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को फराहम की जाएगी। खरीदारी के लिए वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से बातचीत की जाए। ECC के इजलास में अहम फैसले। पंजाब को 3,40,000 टन गंदम दरामद करने की भी इजाजत दे दी। पेशावर की जिलाई इंतजामिया का PDM को जलसे की इजाजत देने से इनकार। कोरोना वबा में शिद्दत आने के सबब इजाजत नहीं दी जा सकती। कोरोना मजीद फैलने का शदीद खदशा है। कोरोना केसेस में 13% इजाफा हुआ। PDM के रहनुमाओं को मुरासला इरसाल। कुछ भी हो जलसा तो जरूर होगा, दमादम मस्कल अंदर भी होगा। ऑपोजिशन रहनुमा भी डट गए। पीपल्स पार्टी के मुताबिक जिले इंतजामिया PTI की बी टीम का किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और जियारे तैयारी कर लें। लीगी रहनुमा इख्तियार वली ने कहा कि जलसे की इजाजत न देना इम्तियाजी सलूक है। कराची के 4 इस्लामी स्मार्ट लॉकडाउन, 2 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिला जनूबी, शर्की वस्ती और गर्बी में स्मार्ट लॉकडाउन। जिला कुरंगी और मलीर में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में मखसूस गलियां, इलाके या मोहल्ले सील होंगे। पंजाब में शादी हॉल्स के अंदर तकरीबात पर पाबंदी आयद। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की इजाजत सिर्फ खुली जगहों पर होगी। तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 300 अफराद की शिरकत की इजाजत होगी। पाबंदी 31 जनवरी तक लागू रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना की दूसरी लहर, बलूचिस्तान में शेड्यूल पहली ता मिडिल के सालाना इम्तिहानात मुलतवी। इम्तिहानात अब अगले साल 10 मार्च को होंगे। सेक्रेटरी तालीम के मुताबिक सालाना इम्तिहानात के फौरी बाद नए तालीमी साल का आगाज कर दिया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं कोरोना वबा एक आलमी हकीकत, किसी जहन की इख्तरा नहीं। अपोजिशन अब बूझ के नाखून ले। अदालती फैसला भी आ चुका। अपोजिशन अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब ना हो। अवाम की सेहत का तहफ्फुज हमारी अव्वलीन तरजीह है। खुदा ना खासा अगर कीमती जानों का ज़िया हुआ तो इसके जिम्मेदारान अपोजिशन रहनुमा और जुलूसों के मुंतजमीन होंगे।